हमेशा से अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले सिंधिया समर्थक इमरती देवी ने एक बार फिर धमाका किया है। उन्होंने कहा है कि कोई जब SC महिला को गालियां देगा तो कौन चुप बैठेगा, किसी का मुंह चलेगा तो किसी के हाथ चलेंगे। इमरती का यह बयान एक दिन पहले पिछोर नगर परिषद के चुनाव के दौरान दूसरे पक्ष के विरोध पर उनके द्वारा कहे गए अपशब्द की मारूंगी साले पर पूछे गए सवाल पर आया है। इस दौरान इमरती ने आरोप लगाया है कि उनको टारगेट किया जा रहा था। जहां चुनाव चल रहे थे वहां बिना ड्यूटी के तहसीलदार दीपक शुक्ला अंदर घुसा हुआ था। इसकी शिकायत CM शिवराज सिंह से करूंगी। शनिवार को पिछोर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव चल रहा था। यहां अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के ही दो दिग्गज इमरती देवी के खेमे से राम जानकी पंडा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खेमे से नवल भार्गव आमने सामने थे। इस चुनाव में इमरती समर्थक 9 वोटों से जीत गई थी। जब इमरती देवी सुमर वहां पहुंची तो हारे प्रत्याशी नवल भार्गव के भाई बॉबी भार्गव ने इमरती देवी मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। उससे पहले नवल भार्गव अपने फेसबुक पर इमरती देवी पर पार्षदों की खरीद फरोख्त के आरोप लगा चुके थे। अपने खिलाफ नारेबाजी पर सिंधिया समर्थक इमरती देवी सुमन आक्रोशित हो गई। उन्होंने कार से उतरते ही कहा, कौन है तू, चप्पल से मारूंगी साले। उनके यह अपशब्द कहते हुए के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे। रविवार सुबह इमरती देवी सुमन केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ वीरांगना की समाधि पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची थी। वहां उनसे बात की गई तो उन्होंने अपने बयान पर खेद जताने की जगह कह दिया कि कोई मुंह चलाएगा तो किसी के हाथ चलेंगे। पूर्व मंत्री व लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी से जब पूछा गया कि क्या हो गया था पिछोर में, क्यों उनको अपशब्द कहने पड़े, इस पर उनका कहना था कि कोई किसी महिला को गाली देगा वो भी SC महिला को तो कौन चुप बैठेगा, किसी का मुंह चलेगा तो किसी के हाथ चलेंगे, हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारे प्रत्याशी को हराने की साजिश थी लेकिन फिर भी 9 वोट से हम उसे जिता लाए। वहां एक तहसीलदार दीपक शुक्ला बिना ड्यूटी को हमारे प्रत्याशी को हराने अंदर घूमता नजर आया। इसकी शिकायत हम CM व केंद्रीय मंत्री सिंधिया से करेंगे। विरोध करने वाले कौन थे, किस समाज के थे, हमें नहीं पता। तो पता ही नहीं किससे हुई, और जिससे हुई होगी वो पेन से कुछ किया होगा तो हमने कर दिया होगा। वीडियो में आपने कहा कि सीधा अगर कोई गाली देगा, एक महिला और SC अगर कोई गाली देगा तो किसी का मुंह चलेगा, किसी के हाथ चलेंगे। आपको हमको टारगेट बना रहे थे, हमारे प्रत्याशी को हराने फिर रहे थे, लेकिन हम अपने प्रत्याशी को 12 वोटों से जिता के लाए हैं। पता ही नहीं हम कौन था, समाज का था, हमें तो ये भी पता नहीं। आंतरी बिलगुआ में तो प्रशासन किसी दूसरे के कहने पे काम कर रहे हैं। पिछोर में बगैर ड्यूटी के जबरदस्ती हमारे प्रत्याशी को हराने के लिए वो दीपक शुक्ला है तहसीलदार, मतलब बगैर परमिशन के अंदर घसे थे। शिकायत करेंगे CM से, शिकायत करेंगे पूरी।